गाड़ी पूरी गंदी पड़ी है बट सिर्फ विंडस्क्रीन साफ करनी पड़ेगी। आराम खोली की मतलब हद होती है, पूरी गाड़ी गंदी पड़ी है, मुझे इतना प्यार है गाड़ी से, बट विंडस्क्रीन साफ करनी पड़ेगी बिकॉज ओपन मूवी थिएटर जा रहे हैं आज हम। इतने दिनों बाद हमें मौका मिला है, मनप्रीत बताएगी कितनी मुश्किल से हमें मौका मिला, कितने टाइम से हम सोच रहे थे। सीरियसली हम इतने बड़े मूवी बफ है, आपको पता ही होगा अगर आप हमें जानते हो पहले से, हम इतने टाइम से तड़प रहे थे कि कब जाके थिएटर्स खुले और कब हम मूवी देखें। तो ऑब्वियसली अभी जो क्लोज्ड वाले हैं उसमें तो अलाउड नहीं है, तो ओपन थिएटर है यहाँ पे घर के बहुत पास है, सो वो ट्राई करेंगे। अब जा रहे हैं जब ठंड हो चुकी है पूरी गर्मी में। तभी तो ये सफाई हो रही है सारी, ताकि ये हमारी यहीं से हम मूवी देखें, यहाँ से बिल्कुल कोई हमें क्लियर स्क्रीन हो, बिल्कुल क्लियर व्यू हो हमारा, यहाँ से कोई एक भी धब्बा ना आए, क्योंकि यहीं से हमने मूवी देखनी है। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। फर्स्ट टाइम इन लाइफ टाइम, फर्स्ट टाइम इन लाइफ टाइम, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है पहले, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अमेजिंग होगा, लेट्स सी। मैंने किया हुआ है, मैंने इंडिया में किया हुआ है, बहुत पहले किया था बचपन में। इंडिया में कहाँ से आ गया भाई? भाई गुजरात में मैंने किया हुआ है, अगर कोई गुजरात से उसको पता होगा वहाँ पे है ड्राइव इन थिएटर, मैं बचपन में गई हुई। मतलब तुम गाड़ी में बैठ के मूवी? एग्जैक्टली, बहुत इतने साल पहले की बात है, इंडिया को ना ऐसे अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है। दिल्ली में है कोई ऐसा थिएटर? मुझे नहीं लगता। दिल्ली में होगा शायद, पता नहीं, गुड़गांव वगैरह में होगा। हाँ चले अब हम पहुँच गए हैं आगे, बता दें आपको क्या एक्सपीरियंस है। जैसे कि आप ये कार्स देख रहे हो, ये सब वो लोग हैं जो हमारी तरह जल्दी आए हैं, जिनको परफेक्ट स्पॉट चाहिए, तो आई होप हमें मिल जाएगा स्पॉट अभी। और पहले आना होता है यहाँ पे, मतलब एक डेढ़ घंटे पहले आना होता है, सो दैट आप सेंटर में लगा पाओ, साइड में लगाओगे तो उतना क्लियर व्यू नहीं आता। इट्स लाइक जैसे आप मूवी देखने आते हो वहाँ भी आपको सेंटर सीट चाहिए होती, ताकि जहाँ पे परफेक्ट व्यू आए, तो इसलिए। Darkest hour, I wanna come for you, I know you've been. So, हमने पार्किंग लगा ली है, लेकिन परफेक्ट स्पॉट नहीं मिला, क्योंकि हमसे भी ज्यादा तेज लोग हैं दुनिया में। और यार परफेक्ट स्पॉट क्या, सेंटर में तो एक ही गाड़ी लगेगी ना, एक उसके लेफ्ट साइड में लगाई है, ठीक है, और सामने देखो स्क्रीन बिल्कुल मस्त दिख रहा है, यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट व्यू आ रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके आगे वाली लाइन में खड़े होना चाहिए, ताकि बिल्कुल कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, लेकिन ये कह रहे हैं सब यही लगा रहे हैं, तो कोई रीजन होगा। रीजन ये होगा बिकॉज ये आपके स्क्रीन यहाँ से कटेगा, अभी मेरे को पूरा स्क्रीन दिख रहा है, फिर अगर आज आगे हो जाएगा ये आपके बीच में आएगा, या तो फिर आप सनरूफ खोल के ऊपर ऐसे मुंडी निकाल लो अपनी। इस टाइम पे एसयूवी होना बहुत जरूरी होता है, लगता है कि भाई इस टाइम एसयूवी होनी चाहिए। रीजन क्योंकि एसयूवी अभी आप देखना, जब गाड़ियां खड़ी होंगी लोग वो ओपन करके पीछे प्रॉपर रिलैक्स करके लेट के मूवीज देखते हैं, हम इसमें नहीं कर सकते वो चीज। जब मैं गाड़ी सीखूंगी और जब मैं गाड़ी लूंगी तो मैं एसयूवी लूंगी इंशाल्लाह, जब भी ये होगा। अपना पहले ये प्लान बना लिया ताकि मैं ऐसे आगे मूवी देख सकूं। अभी इतनी ठंड है ना, बाहर कोई बैठेगा नहीं, उसके ना सुन हो जाएगा सब कुछ अगर कोई बाहर। आप पीछे अगर देखोगे तो हम सारा अरेंजमेंट करके आए हैं, बहुत अमेजिंग ब्लैंकेट लेके आए हुए हैं, पिलोज लेके आए हुए हैं, सो आई थिंक इट शुड बी ओके, पर एसयूवी होना जरूरी है। ठीक है भाई, जरूरी है बट है नहीं हमारे पास। कुछ ज्ञान की बातें, सो मुझे लगता था कि इसके बाहर स्पीकर्स होंगे बहुत पावरफुल जिससे हमें साउंड आएगा, बट FM पे एक ये फ्रीक्वेंसी देते हैं, लेट्स से 90.7 दी हुई है इन्होंने, वो आप ट्यून इन कर लो, सेम आपको साउंड जो आएगा अंदर आएगा, बाहर मेरे ख्याल से कोई साउंड नहीं होगा, सो दैट इज अमेजिंग। और आपको गाड़ी ऑफ करनी होती है, अगर ऑफ करोगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज जैसे हीटिंग चल रही है अभी विंटर में तो ऑफ नहीं कर सकते, बट अगर आपको ऑडियो अच्छा एक्सपीरियंस लेना है तो गाड़ी ऑफ करनी चाहिए, बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी आएगी। और अपनी सारी लाइट्स ऑफ करनी होती है, जितना मैंने रिव्यू करा है, गाड़ी ऑफ करो, लाइट सारी ऑफ करो और अंदर आप इंजॉय कर सकते हो। अगर आप गाड़ी बंद करोगे तो आपको ठंड लगेगी, तो आपको लेके आना पड़ेगा कंबल वगैरह जो हम लाए। और टिकट का आप कॉस्ट बता दो। तो ये जो है, ये हम बैक टू बैक टू मूवीज देख रहे हैं, सो ये कॉम्बो था, लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऐसा, इस टाइम पे वही अवेलेबल था, सो इट इज $28 फॉर बोथ ऑफ अस। सो ये पर कार के हिसाब से दे चार्ज यू, अगर आपकी कार में चार लोग हैं तो उसका अलग कॉस्ट होता है, सो वहाँ डिफरेंट ब्रैकेट्स बने होते हैं, नंबर ऑफ पीपल प्लस नंबर ऑफ कार्स पे डिपेंड करता है, सो फॉर अस फॉर टू मूवीज इट वॉज $28 फॉर वन कार। और अगर चार लोग होंगे तो वो नीचे अलग दिया हुआ है, हम आपको लिंक दे देंगे नीचे, आप लिंक चेक करना, वहाँ पे आप एज पर योर नंबर ऑफ पीपल आप सिलेक्ट कर सकते हो, एंड प्री बुकिंग जरूर कराओ बिकॉज सोल्ड आउट हो जाती है टिकट्स। हाँ सीरियसली, स्पेशली इस टाइम पे समर में हम इसलिए नहीं आ पा रहे थे बिकॉज सोल्ड आउट हो जाती थी, अब हमने विंटर से पहले एक बार एंजॉय करना था, एक्सपीरियंस लेना था, तो हमने एडवांस में बुक करा ली। और स्ट्रिक्टली बोला हुआ कि आप बाहर नहीं निकल सकते कार से, जस्ट वॉशरूम जाने के लिए या कुछ टेक आउट लेने के लिए जा सकते हैं, विच इज गुड, लाइक प्रॉपर प्रिकॉशंस मेंटेन कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, कार्स के बीच में बहुत स्पेस है, विच इज गुड। दिखा दो एक बार ऊपर से। तो
मनप्रीत वॉज राइट. पीछे मेरे पीछे देखो एक एसयूवी है, उल्टी उल्टी करके चली गई. चली गई, उसे लगा उसके रिकॉर्डिंग करें, नहीं आएगा वापस. नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग के लिए नहीं है, बट वो पीछे से गाड़ी खोलेगा, पीछे मस्त अपने गद्दे गुद्दे लगाएगा और चिल करके देखेगा. अगर आपके पास है पूरा ब्लैंकेट्स वगैरह तो आप बाहर निकल के भी देख सकते हो. डू यू वांट ट्राई एडवेंचर करने? नहीं, गाड़ी में से निकलना अलाउड नहीं है और इस टाइम सेफ भी नहीं है. एसयूवी लेंगे फिर देखेंगे भाई, वो कुछ कर रहे हो. अब ड्राइव इन मूवी देखने के लिए हम एसयूवी खरीद ले, बताओ. तो यही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं खरीद रहे हम भाई. शौक बड़ी चीज है, क्या पता मेरा मन है. तो मतलब शी वॉज राइट, मतलब पीछे से गाड़ी ओपन करके वो बूट में आराम से अपना मैट्रेस लगा के मस्त होके मूवी देखेगा, कंफर्टेबल होके. और हम ऐसे देखें, हम गरीबों की तरह बैठ के ऐसे पनिशमेंट मिली है जैसे हमें. ये भाई ने खोली. जितनी भी एसयूवी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सब पीछे अपना सेटअप कर रहे हैं, पूरा मंजे बिस्तरे लगा रहे हैं. लेकिन एक छोटी गाड़ी वहां पे माजदा 3 है आई थिंक, वो भी सेटअप कर रहा है उल्टी गाड़ी करके. तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद की लहर नजर आ रही है कि हम भी शायद हम बूट में बैठ सकते हैं. पता नहीं हम जैसे मोटे इंसान बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे, बट हमने डिसाइड किया कि अभी रिस्क नहीं लेते, अभी आराम से देखते हैं ईमानदारी से. पहले बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई ज्यादा खुरापाती दिमाग नहीं अपना यूज करते. सेकंड जो मूवी देखेंगे उसमें हम ट्राई करेंगे. तो हमारे पास ऑप्शन है आज दूसरी मूवी का, दूसरी मूवी में जो भी छोटी मूवी है. अगर ज्यादा ठंड हुई भी तो दैट्स 90 मिनट्स ओनली, मरेंगे नहीं उस मूवी में हम. मरेंगे नहीं, हम वापस आ जाएंगे. सो मूवी स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट 15 मिनट्स में. उससे पहले वॉशरूम ब्रेक जरूरी है, बिकॉज बीच में से उठ के लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना. चलो, डिस्ट्रैक्ट का कुछ नहीं है, बहाना मारा जा रहा है. बीच में मूवी में खुद उठ के नहीं जाना चाहती, सो दैट मूवी मिस ना हो. और हाँ, यहाँ मूवीज के बीच में इंटरवल नहीं होता, सो जो खाने पीने का सामान है पहले लेके बैठ जाओ, बिकॉज कभी आप नहीं उठ पाओगे मूवीज के बीच में. यहाँ का हमें आइडिया नहीं है, बट थिएटर में जो भी मूवी होती है यहाँ पे इंटरवल लिखा हुआ आता है, बट वो कंटिन्यू कर देते हैं मूवी. तो पहले बार हमारा इतना बड़ा कटा था ना, जब हम फर्स्ट टाइम कनाडा में मूवी देखने आए, इंटरवल हुआ, मैं खड़ा हो गया, मैं देख रहा कोई खड़ा ही नहीं हुआ और मूवी स्टार्ट हो गई, मैं बैठ गया. क्योंकि हमें आदत थी इंटरवल में जाके कुछ ना कुछ मैडम ऑर्डर देती थी, मैं लेके आता था. बहुत बड़ा कटा था भाई, वो याद रहेगा हमेशा. राइट, चलो मास्क पहनो और वॉशरूम चलते हैं. आप रियलाइज हो रहा है कि जल्दी आने का बहुत फायदा होता है. अगर आप देखोगे वो एंड तक गाड़ियों का स्पॉट बना हुआ है, सो इमेजिन करो अगर हमारी गाड़ी वहाँ होती तो हमें इतने दूर से वो स्क्रीन देखना पड़ता और मजा नहीं आता बिल्कुल. सो इट इज अ प्रो टिप, अगर आप सोच रहे हो ऐसे मूवी थिएटर आने का तो बहुत जल्दी आओ, एटलीस्ट 1.5 hours पहले का प्लान करो. मूवी स्टार्ट हो गई और ये देखो तामझाम, इतना मजा आ रहा है ना, मतलब इतना कम्फी अपने बिल्कुल क्लोज उसमें इंजॉय करो मस्त. अब डिस्टर्ब नहीं करते हम किसी को, लेट्स वॉच द मूवी. सो मूवी स्टार्ट होने वाली है, एड्स चल रही हैं, बट आई एम मिसिंग मुकेश. अगर आपको पता है तो कमेंट करो. मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है वो. वो किसी का रिश्तेदार नहीं है, बट सब उसको इतना प्यार करते हैं, सब उसको जानते हैं, मुकेश को पूरे इंडिया में जानते हैं, मुकेश को जो भी मूवी देखने जाते हैं. So first movie is over. अब I think 10-15 minutes का break है, उसके बाद दूसरी movie start होगी. कुछ लोग जो हैं वो निकल के जा रहे हैं, I think उनको नींद आ रही है, पर हम तो full अपना comfort zone में बैठे हैं. पैर ऊपर करके, पैर ये देखो, ये क्या बदतमीजी. पूरी गाड़ी की हालत खराब कर दी है, बट एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है. बहुत ठंड है बाहर, अच्छा हुआ एसयूवी में नहीं बैठे, इसमें अंदर सही है, कोजी कोजी. बहुत ठंड है, सबने अपनी एसयूवी के ढक्कन बंद कर लिए हैं, सबको ठंड लग रही है. एसयूवी हो या फिर सेडान हो, ठंड सबको लगती है. यहाँ पे वो वाले कपल भी आए हुए हैं जो इंडिया में बोलते थे हमें कॉर्नर सीट दो मूवी थिएटर में, वो वैसे भी आए हुए हैं. गाड़ी बंद करी है, मूवी तो दिख नहीं रही, पता नहीं क्या उल्टी गाड़ी खड़ी करके कुछ हैंकी पैंकी कर रहे हैं, पता नहीं. इतना पुराना है ये ड्राइव इन थिएटर, जो एड्स चल रही हैं वो भी ऐसे, मतलब लग रहा है बाबा आदम के जमाने की हैं, इतनी फनी लग रही हैं, बट मजा आ रहा है क्योंकि इसे कार्टून देखते थे ना बचपन में, उसमें आते थे कुछ कुछ एड्स, वैसी लग रही हैं बिल्कुल. एक इसमें कछुआ छाप की एड भी आई थी अभी, वो हमने मिस कर दी रिकॉर्ड करनी. और दिखाओ, मार्वल स्टूडियो आ गया. हम घर से थोड़ा बहुत कुछ लेके आए हैं, सब लेके आते हैं यहाँ पे, अलाउड नहीं होता बट सब कुछ ना कुछ स्मगल करके ले ही आते हैं. लेकिन आप लेके आओ, सब लेके आते हैं, बिकॉज कोविड का टाइम है, अभी बाहर से भी नहीं लेना चाहिए. बट मेक श्योर कि आप जो इनकी टक शॉप है वहाँ से कुछ ना कुछ जरूर खरीदो. तो हमने पॉपकॉर्न और पॉप वहाँ से कोल्ड ड्रिंक ले लिए, बिकॉज जो उनका प्रॉफिट होता है वहाँ से बहुत ज्यादा होता है, टिकट तो बहुत सस्ती है. सो इसलिए अगर आप लेके भी आ रहे हो ना कुछ स्मगल करके लेके आ रहे हो खाना वगैरह, तो यहाँ से जरूर खरीदो थोड़ा बहुत सामान. ओके बॉस,
थैंक्स फॉर द पास्ता. मूवी हो गई है एंड और मैं रिएक्शन लेना चाहता हूँ मनप्रीत का इस मूवी पे. मैंने वीडियो के शुरू में जो कहा था एसयूवी और गाड़ी सीखा वो सब भूल जाओ, मुझे कुछ नहीं सीखना. अभी हमने एक मूवी देखी अनहिंज्ड, अगर आपने देखी है या अगर आप देखोगे तो प्लीज ध्यान से देखना. मतलब मैं गाड़ी नहीं सीख सकती, मुझे लगता है इतना खतरनाक था वो. मतलब रोड रेज दिखाया गया कि लोग कितने साइको होते हैं. मतलब सब भूल जाओ, हम इसी गाड़ी में खुश है हम. मैं सोच रहा था कि यार ये तो नॉर्मल चीज है दिल्ली वैली का, मुझे लग रहा था, बट ये दिल्ली से भी नेक्स्ट लेवल है. ये बिल्कुल US वाला जो साइको लेवल होता है ना वो लेवल था. एंड रात के 12 बज रहे हैं और हम अभी जहाँ पार्किंग लॉट में खड़े हैं बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो आराम से निकलेंगे हमारा आराम से ट्रैफिक. अगर मूवी देखनी है आपको देखो, बहुत मस्त है मूवी. ये मूवी बहुत अच्छी थी, पहले वाली मुझे अच्छी लगी. क्रिस्टोफर नॉलन की थी वो, यार एक बार में समझ नहीं आती. टेनेट मूवी थी तो वो एक बार और देखनी पड़ेगी, समझ नहीं आती क्रिस्टोफर नॉलन की. बट दिस वन वाज लाइक रियली अमेजिंग. हम ऐसी मूवीज नॉर्मली नहीं देखते इतनी सीरियस, बट हमें मजा आया, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा. अगर मूवी अच्छी हो ना तो मस्त एक्सपीरियंस है, बिकॉज अपने कंफर्ट में आप बैठ के देख रहे हो मूवी और खा पी रहे हो और आराम से अपना कंफर्ट टेम्परेचर सेट कर सकते हो. अमेजिंग एक्सपीरियंस है. कनाडा में हो तो जरूर ट्राई करना. कनाडा में बहुत जगह पे ड्राइव इन थिएटर्स हैं ऐसे, एंड आई थिंक विंटर्स में सब बंद कर देते हैं, तो अभी दिस इज द टाइम, गो एंड एंजॉय विद योर फैमिली. क्योंकि आप जो अदर थिएटर्स हैं उसमें नहीं जा सकते इस टाइम, पर ये एक्सपीरियंस ले सकते हो. कोविड के लिए बेस्ट है, कोविड के टाइम पे बेस्ट एक्सपीरियंस. एंड करते हैं वीडियो, 12:01 बज रहे हैं, हम भी घर चलते हैं. आप भी बहुत ध्यान से चलाना, आराम से चलाएंगे, आराम से चलाएंगे. लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, वेरी सेफ, ड्राइव सेफ एंड स्टिक अराउंड.